हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी शबानास किचन। आज मैं आपके साथ फिर से एक नॉनवेज की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है मुंबई का फेमस दालचा की रेसिपी, जिसे दालगोश भी कहते हैं। तो चलिए दालगोश बनाते। दालगोश की रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा लौकी ले लिया है, जिसे कट कर लिया है, लंबी वाली जो रहती है आधा ले लिया है। कुकिंग ऑयल है आधा कप, गोश्त मेरा मटन है आधा किलो, और ये मैंने 200 ग्राम चने की दाल, जिसे मैंने एक घंटा पहले भिगो दिया था, चने की दाल है। और सूखे मसालों में ये आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, दो टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा और काली मिर्च का पाउडर है, और एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने एक दो पत्ते तेज के पत्ते ले लिए हैं, आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची है, दो छोटी इलायची है, 8-10 दाने काली मिर्च के हैं, और आधा टीस्पून जीरा है। और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, जिसे मैंने पीस के रख लिया है। ये मैंने दो प्याज को स्लाइस कट कर लिया है, और ये एक बड़ा टमाटर है, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्च है, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। तो चलिए हम रेसिपी बनाते हैं। तो हमें दालगोश बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस दाल को कुक करना होगा। तो ये 200 ग्राम दाल है, इसे मैं कुकर में डाल दे रही हूँ, और इसमें 1 गिलास पानी दे दूँगी, आधा गिलास और डालूँगी। तो ये 1.5 गिलास पानी इसमें गया, और ये आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, उसके साथ ही 1 चम्मच नमक। कुकर को बंद कर देंगे, और उसे अच्छे से, जब ये अच्छे मैश होने लगे तब तक के हमें इसे कुक करना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया। अब हम इसे ओपन करते हैं। ये देखिए पानी भी बिल्कुल सूख चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल दाल अच्छी तरीके से मैश हो चुका है, गल चुका है। तो अब हम इसे मैश कर लेंगे। किसी की भी सहायता से आप इसको अच्छे से मैश कर ले। तो देखिए अच्छे से दाल को मैंने मैश कर लिया थोड़े से पानी डालते हुए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी कर लें, और इसे एक बर्तन में निकाल दें। तो मैंने सेम कुकर को धो के ले लिया है। अब इसमें मैं आधा कप ऑयल डालूंगी, और इसी में मैं अपने सारे खड़े मसालों को ऐड कर दूंगी। मसाले जैसे ही तड़क जाए, हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा और ऐड कर दें। ऐसे अच्छी तरीके से भूनेंगे इसकी कच्ची फ्लेवर जाने तक। अब इसी में मैं अपने मटन को भी ऐड कर दूंगी। और मटन को भी इसके साथ हम भूनेंगे। मटन का कलर चेंज हो गया है, जैसे थोड़ा सा भूनेगा 1 सेकंड मटन का कलर चेंज होगा। अब इसी में हम अपने कटे हुए अनियन ऐड कर देंगे, और इसे भी स्टर कर लेंगे। उसके बाद हम अपने सारे ये जो सूखे मसाले हैं ये इसमें डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसे भी भूने, ताकि हल्दी का जो कच्चा फ्लेवर है वो चला जाए। अब इसमें नमक भी ऐड कर दें 1.5 चम्मच, 1 चम्मच हमने अपने दाल में ऐड किया था, तो उसी हिसाब से इसमें करें, क्योंकि बाद में दोनों मिक्स होगा तो नमक तेज ना होगा, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ऐड करें। अब इसमें ही साथ में मैं अपने टमाटर और हरी मिर्चों को भी ऐड कर दूँगी। बहुत ही आसानी से क्विक तरीके से ये बन जाता है, इसे भी मिक्स कर दें। 1 मिनट के लिए ये गोश्त तमाम मसालों में भून चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी को ऐड कर देंगे, गोश्त 1 गिलास पानी ऐड किया मैंने, और जो टमाटर और प्याज है उसका खुद का पानी रिलीज होगा। तो अब हम कुकर को बंद कर देते हैं, और इसमें
दो सीटी आने के बाद 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हम अपने कुकर को खोलते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से गोश्त भी कुक हो चुका है। तब हम इसे थोड़ी सी हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए इसे और भून लेंगे और उसमें जो हमने ये लौकी को कट करके रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और इसे भी दो चार मिनट के लिए इसमें कुक कर लेंगे। तो गोश्त जब तक भूनते रहेगी साथ में ये लौकी भी इसके साथ ही कुक होता रहेगा। तो हम इसे 3 से 4 मिनट तक इसे कुक करते हैं। तो 4 मिनट हो चुके हैं, देखिए इसमें हमारी लौकी भी अच्छे से कुक हो चुकी है, परफेक्ट कुक हो चुकी है, सॉफ्ट है बिल्कुल इसी तरीके से। और मसाला भी भून चुका है, तरी ऊपर आ चुकी है। अब हम इसी पैन पे ये जो हमने अपने चने दाल को जो मैश करके रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से इसमें मिक्स कर दे, ये देखिए। तो दाल को मिक्स कर दिया मैंने इसमें। अब यहाँ पर आप अपने नमक को एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी को भी थोड़ा सा मैं आधा ग्लास पानी डाल के एडजस्ट करूँगी क्योंकि इसमें एक उबाल आना है और ये दोबारा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते और बिल्कुल शादियों वाली खुशबू के लिए इसमें 3 से 4 बूंद मैं केवड़ा के डाल रही हूँ। इससे बिल्कुल शादियों वाली खुशबू आएगी, जो दालचा की जो खुशबू होती है परफेक्ट शादियों वाली, वो फ्लेवर इसके अंदर से खुशबू आने लगेगी। तो अब इसमें मैं इसे ढक करके इसे 3 मिनट के लिए उबाल आने तक के इसे पकाऊंगी, उसके बाद हम अपनी डिश को डिश आउट करेंगे। तो हमारी दालचा जो है वो तैयार है, बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो इजी तरीके से तैयार है मुंबई का फेमस दाल गोश, जो कि शादियों में बहुत ही बनाई जाती है, बिल्कुल फ्लेवरफुल और टेस्टी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।